Welcome to Practical Poultry Channel. I want to introduce a new formula for the ventilation. मेरा ये क्लेम है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने इसको डिज़ाइन किया है और प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट किया है. प्रैक्टिकली मैंने इसको कई सालों से जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ. इससे ऐसे मौसम में जब गर्मियों से सर्दी की तरफ हम जा रहे हों या सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हों तो ये फार्मूला बेहतरीन रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन पूरी करता है, पर्टिकुलरली फॉर द ब्रॉयलर. मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर शाहीन. बेस ऑफ द फार्मूला यानी इसकी बेस क्या है, इसमें स्पेशली ये ट्रांजिशनल वेदर के लिए है जब डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट इज़ वेरी हाई. ये दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जैसे कि आजकल है. When weather change from summer to winter or from winter to summer, यानी जब हमारे मौसम में तब्दीली आ रही होती है, जैसे सब कॉन्टिनेंट में सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर में गर्मी से हम सर्दी की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं, फिर मार्च और अप्रैल में सर्दी से हम गर्मी की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो डे एंड नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. जैसे अप्रोक्सीमेटली डे टाइम 30 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नोट किया जाता है, जबकि नाइट में ये टेम्परेचर ड्रॉप होके 20 से 28 रह जाता है, यानी ऑलमोस्ट 10 डिग्री का फ़र्क होता है मिनिमम फ्रॉम डे टू नाइट. साइंटिफिक लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स इन नाइट द एयर बिकम्स डेंसर, दस लेसर एयर इज़ रिक्वायर्ड इन द नाइट एज कम्पेयर टू डे फॉर द बर्ड्स. यानी इसकी लॉजिक ये है कि जब हवा का टेम्परेचर कम होता है तो उससे जो एयर के मॉलिक्यूल उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस हैं वो डेंस हो जाते हैं, तो यूनिट एरिया के अंदर एक क्यूबिक फुट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है रात के टाइम एज़ कम्पेयर टू डे. तो इसलिए हमें डे के टाइम और वेंटिलेशन चाहिए होती है, रात के टाइम हमें और वेंटिलेशन चाहिए होती है. तो ये एक रिलेशनशिप है बेसिकली आउटसाइड टेम्परेचर का टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्ड के हिसाब से. इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला. वॉल्यूम ऑफ द शेड इन यूज़ यानी जहाँ पर हमारा बर्ड मौजूद है उस एरिए का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं. नॉर्मली जो 400 लेंथ, 50 फीट वाइड और 10 फीट हाई शेड हो तो उसका तकरीबन 2 लाख क्यूबिक फुट वॉल्यूम बनता है, और अगर उसका हाफ के अंदर बर्ड है तो इसका मतलब उसका 1 लाख क्यूबिक फुट हमारे इन यूज़ है. यानी 1 लाख क्यूबिक फुट वो एरिया है जहाँ पे हमारा बर्ड मौजूद है, रेस्पिरेट कर रहा है. नाइट के टाइम अगर टेम्परेचर हमारा सपोज 25 डिग्री है तो ये फार्मूला बहुत आसान है. वॉल्यूम ऑफ शेड इन यूज़ मल्टीप्लाई बाय आउटसाइड टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. यानी अगर सपोज हमारे हाफ शेड के अंदर बर्ड मौजूद है और रात का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो हम वॉल्यूम को 25, इस वॉल्यूम का 25% लेंगे, वो हमारी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा बर्ड की. जैसे 1 लाख क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय 25% तो वो 25,000 CFM आ गए. यानी रात को हमें 25,000 CFM चाहिए, जबकि डे टाइम सपोज टेम्परेचर 35 डिग्री है और हमारा बर्ड जो 1 लाख क्यूबिक फीट में है तो हमें 1 लाख क्यूबिक फीट का 35% एक्चुअली चाहिए टू कंपनसेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्ड. उससे उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. जितना आउटसाइड टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे दिसंबर में या ऑलमोस्ट रात को 5 टेम्परेचर हो गया या 3 टेम्परेचर हो गया, तो हमें जो क्यूबिक फुट है जहाँ पे हमारा चिक है उस वॉल्यूम को हम जो नाइट का टेम्परेचर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. बट इट कैन नेवर बी ए ज़ीरो. ये यानी अप्लाई 5 डिग्री से कम पे अप्लाई नहीं होगा, मिनिमम 5 डिग्री आपको लेना पड़ेगा. तो ये फार्मूला बहुत आसान है. वॉल्यूम जहाँ पे हमारा चूज़ा मौजूद है शेड का उसे हम आउटसाइड टेम्परेचर के परसेंटेज से ज़रब दे देते हैं, यानी वॉल्यूम का हम उतने परसेंट लेंगे जितना हमारा बाहर टेम्परेचर है. इससे एयर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बर्ड को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी. टेम्परेचर के लिए आपको अलग से वेंटिलेशन करनी पड़ेगी. आप अप्लाई करके देखें, इसमें कोई सवाल हो तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.